बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। बच्चों, हम लोग अपवर्तन की घटना में ये चीज समझ चुके हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। किसी भी मीडियम में जो वेव की स्पीड होती है ये होती है एन इंटू लैमडा के बराबर। अगर ये v को हम माने स्पीड ऑफ लाइट, ये प्रकाश की चाल माना जाए, और n को हम फ्रीक्वेंसी बोलें कि ये प्रकाश की आवृत्ति, और लैम्डा को वेवलेंथ बोलें उसकी तरंग दैर्ध्य, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये चीज नहीं चेंज होती मीडियम चेंज होने पर, तो दैट मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इफ लैम्डा इंक्रीजेस, v इज ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य कम होगा तो चाल घटेगी। बच्चों, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड की होती है, रेड कलर की, तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जिस कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जब वो अपने मीडियम, अपने रास्ते से चलेगा किसी मीडियम में, तो अपने रास्ते से कम विचलित होगा। भाई, अगर बहुत तेजी से कोई चीज चल रही है और रास्ते में हमने कहा उसको तुरंत मुड़ो, जैसे कोई लड़का आ रहा बहुत तेजी दौड़ते हुए आ रहा, हमारे पास पहुंचे, हमने कहा तुरंत मुड़ो, नहीं मुड़ पाएगा वो, उसी रास्ते पर ऐसे कुछ टाइम तक चलता चला जाएगा, मोमेंटम के कारण या और भी कोई चीज हो सकती है, तो वो उसी रास्ते पर ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो स्पीड ज्यादा होने से वो अपने रास्ते से कम मुड़ पाएगा, तो वही चीज होती है रेड कलर में। रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा, अब स्पीड सबसे ज्यादा होने के कारण ये अपने रास्ते से नहीं मुड़ पाती, कम मुड़ पाती। अब कम मुड़ पाती है, कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने रास्ते से जितना मुड़ती है, जितना ज्यादा मुड़ेगी, हम बोलेंगे उसका उतना ज्यादा अपवर्तन होगा। उसके अपने मार्ग से विचलन की माप ही अपवर्तनांक है, कि अगर ज्यादा मुड़ गई तो हम बोलेंगे हाँ इसका अपवर्तन ज्यादा हो गया, कम मुड़ी है तो कम अपवर्तन हुआ। तो वही चीज यहां पर भी, रेड कलर इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये अपने रास्ते से कम विचलित होती है। तो हम रेड कलर के बारे में ये बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड और दूसरे कलर्स की अपेक्षा मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम स्पीड होने के कारण इसका डेविएशन, दैट मीन्स इसका विचलन, ये मिनिमम, सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और इसकी तरंग, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, ये सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है अन्य कलर्स की या दूसरे रंगों की तुलना में। अच्छा, ये हो गया। बात करते हैं अगर वायलेट कलर की, तो जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, इसके लिए लैम्डा अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, इसलिए इसकी स्पीड मिनिमम होती है, ये सबसे कम स्पीड होती है। और जब मिनिमम स्पीड होगी, बहुत स्लो कोई चीज चलेगा तो उसके मुड़ने के चांस भी ज्यादा है, मीडियम चेंज हुआ, पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल से टकराया तो अपने रास्ते से हट गया, तो ज्यादा विचलित होगा, मतलब इसका अपवर्तन ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका जो अपवर्तनांक है या अपवर्तन या विचलन जो हो रहा है ये सबसे ज्यादा है, इसका डेविएशन मैक्सिमम होता है, इसका विचलन अधिकतम। तो बच्चों, एक चीज तो क्लियर है कि अगर लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होने पर जिस रंग की स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो अपने रास्ते से उतना ही कम विचलित होगा, और जिसकी स्पीड जितनी कम होगी वो अपने रास्ते से उतना ही ज्यादा विचलित होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम लोगों की टॉपिक है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे।
देखते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पे कोई प्रिज्म है और कोई प्रकाश की किरण यहां पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये आपतित प्रकाश है, इंसिडेंट लाइट है, यहां पर ये नॉर्मल है इसका एन, ये वाला एंगल इसका प्रिज्म एंगल है, ये इसका रास्ता है ये वाला। बच्चों जब सात रंगों का एक मिश्रण जिसको हम लोग या कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये सात रंगों से मिलकर बना हुआ है, जैसे इस मीडियम से इस मीडियम में गया, मीडियम चेंज हुआ, सबकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, सबकी स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड होती है रेड कलर की, इसलिए रेड वाला कलर अपने स्थान से या अपने रास्ते से कम विचलित होगी, तो अपने रास्ते सबसे कम विचलित होगी। सबसे ज्यादा विचलित हो जाएगी बैंगनी रंग का प्रकाश, क्यों सबसे ज्यादा विचलित होगा, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम होती है। अच्छा अब इनके बीच में सभी रंग रहेंगे, ये वाली जो प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे निर्गत होगी, ये इसकी निर्गत किरण है, ये वाली वायलेट कलर है, ये रेड वाला है, बीच में बाकी तरंग दैर्ध्य की लाइट भी आ जाएंगी, एक दो तीन, यहाँ पे हम बच्चों देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो प्रिज्म से होकर गुजरने पर सभी प्रकाश रंगों की चाल अलग अलग होने के कारण ये अपने सातों मूल अवयवी रंगों में टूट जाता है। यही घटना प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह अपने सात मूल अवयवी रंगों में टूट जाता है, यही घटना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि सभी प्रकाश रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है, चाल अलग अलग होने के कारण सब अलग अलग रास्ते पर विचलित होते हैं, जैसे सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, सबसे ज्यादा बैंगनी, उसके बीच में सबका विचलन होता है, तो अलग अलग चाल होने के कारण सब अलग अलग विचलित होते हैं, इसलिए सातों रंग में टूट जाते हैं। अच्छा ये होता है। यहाँ पे अगर हम इस चीज को लिखें बच्चों, ये ध्यान दो कि अगर लाल रंग है, रेड कलर है, तो रेड कलर की पहली चीज स्पीड मैक्सिमम होती है, इसकी चाल सबसे अधिक होती है, दूसरी चीज इसकी वेवलेंथ भी सबसे अधिक होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ठीक है, तीसरी चीज इसका जो अपने रास्ते से विचलन है, डेविएशन है, डेविएशन भी न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, ये इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अपवर्तनांक जब कम विचलित होगा तो अपवर्तन कम हुआ, हम बोलेंगे इसका अपवर्तनांक कम है, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, ये मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वायलेट कलर की या बैगनी रंग की, वायलेट की, तो वायलेट कलर की स्पीड ये मिनिमम होती है, क्यों मिनिमम होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो दूसरे पॉइंट में वही लिख लेते हैं, इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, इसलिए ऐसा होता है। फिर इसकी स्पीड अगर कम है तो इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा,
तो इसका डेविएशन अन्य प्रकाश रंगों की तुलना में अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। फिर इसके बाद इसका अपवर्तनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ये तो बच्चों इस तरीके से प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण, जब भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने सात मूल अवयवी रंगों में टूट जाता है। यही घटना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, और जो व्हाइट लाइट के टूटने का क्रम है ये विवग्योर के अकॉर्डिंग होता है। अब विवग्योर में देखोगे बच्चों तो ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और ये रेड है। एक बार इसको डिफाइन करते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सभी प्रकाश रंगों की चाल अलग अलग होने के कारण, या इनका अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण, या अपने सात मूल अवयवी रंगों में टूट जाता है। यही घटना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हम लोग इसी में समझते बच्चों, कोणीय परिक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं? कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन बच्चों, ये मान लो प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल है ए, कोई व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट कराएगी, ये व्हाइट लाइट का अपना रास्ता था, इसका अपवर्तन हुआ, सात मूल अवयवी रंगों में ये टूटेगी, इसमें सबसे ज्यादा विचलन वायलेट कलर का, सबसे कम विचलन रेड कलर का होगा। ये वर्ण विक्षेपण की घटना में अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है। यहाँ पर अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो दोनों प्रकाश किरणों की कटान बिंदु पर बनने वाला ये जो बहिष्कोण होता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। जैसे ये रेड कलर है तो लाल रंग के प्रकाश को पीछे बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश को आगे बढ़ाने पर, दोनों प्रकाश किरणों के कटान बिंदु पर बनने वाला ये वाला जो एंगल होता है, ये जो कोण होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लाल रंग के लिए विचलन कोण, और इसको डेल्टा आर से दिखाते हैं। इसी तरीके से बैंगनी रंग के प्रकाश को पीछे की तरफ बढ़ाने पर और आपतित प्रकाश किरण को आगे की तरफ बढ़ाने पर, दोनों प्रकाश किरणों के कटान बिंदु पर बनने वाला ये जो बहिष्कोण है, ये वाले कोण को, इस पूरे एंगल को हम लोग बोलते हैं बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण, इसको डेल्टा वी से दिखाते हैं। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? कोणीय परिक्षेपण होता है लाल तथा बैंगनी, या बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोणों का अंतर। ये वाला पूरा एंगल डेल्टा वी है, ये वाला पूरा एंगल डेल्टा आर है, तो ये जो इतना सा एंगल बच रहा है, ये वाला एंगल जो बच रहा है, इसी एंगल को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, और थीटा को ही बोलते हैं कोणीय परिक्षेपण या एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। ये कोणीय परिक्षेपण होता है। कोणीय परिक्षेपण किसे कहेंगे? व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन? तो आप बताओगे बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोणों के अंतर को ही कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। अब अगर कोणीय परिक्षेपण ये हो गया, कोणीय परिक्षेपण का सूत्र लिखना हुआ तो कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर बैंगनी रंग का प्रकाश के लिए विचलन कोण माइनस लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण, ये वाला जो एंगल मिलेगा इसी को हम लोग बोलते हैं, या एंगल का जो डिफरेंस मिलेगा इसी को बोलते हैं कोणीय परिक्षेपण। थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा।
जो हम लोग डेल्टा का फार्मूला पढ़े हैं, डेल्टा बराबर एन माइनस वन इंटू ए, पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण होता है ये होता है डेल्टा बराबर डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। अगर हम ये कह दें कि लाल रंग के लिए रेड कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका अपवर्तनांक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका मान ले एन आर, और वायलेट कलर के लिए इसका अपवर्तनांक हम मान ले एन वी। तो यहां से अगर हम लोग वायलेट कलर और रेड कलर का विचलन कोण लिखेंगे तो रेड कलर के लिए डेल्टा आर बराबर ये मिलेगा एन आर माइनस वन इंटू ए। इसी तरीके से वायलेट के लिए लिखेंगे तो डेल्टा एम के स्थान पे वी बराबर अब वायलेट कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वी माइनस वन इंटू ए। यही दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो ये हमको मिलेगा, इसलिए एंगुलर डिस्पर्सन थीटा बराबर ये हो जाएगा डेल्टा वी की वैल्यू किसके बराबर है एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस डेल्टा आर की वैल्यू किसके बराबर है एन आर माइनस वन इंटू ए। दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन कर लीजिए एन वी माइनस वन माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए एन आर माइनस माइनस प्लस वन और ए कॉमन है वन से वन कैंसिल हो गया ये मिला एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये हमको मिला एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला। तो कोणीय प्रक्षेपण के दोनों फार्मूले होते हैं, आप चाहे जिसको लिखो थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और दूसरा हो सकता है अपवर्तनांक के पदों में थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू थ्री। इसी में एक चीज हम लोगों को ये मिलता है, अच्छा पहले तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज समझिए कि थीटा हमको क्या बताता है। थीटा एक्चुअल में थीटा का मतलब है बच्चों कि जो भी स्पेक्ट्रम हमको व्हाइट कलर का मिल रहा वो कितना फैला हुआ, एंगुलर डिस्पर्सन जितना ज्यादा होगा वो हमको बताएगा जो स्पेक्ट्रम हमको दिख रहा है वो कितना फैला हुआ है, उसके प्रसार कितना हुआ है, उसका रेंज हमको बताता है। अगर एंगुलर डिस्पर्सन ज्यादा है तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम ज्यादा फैला हुआ है, कम है तो कम फैला हुआ है। जैसे हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं पतला सा बन गया मतलब उसका जो कोणीय प्रक्षेपण कम है तो उसका प्रसार कम है, अगर वो बहुत ज्यादा फैला हुआ ज्यादा फैला होने का मतलब क्या है कि वो वाला एंगल कोणीय परिक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन ज्यादा है, कोण ज्यादा है तो वो ज्यादा फैला हुआ है। ये एंगल हमको बताता है कि स्पेक्ट्रम कितना फैला हुआ है। ये नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, ये तो कोणीय परिक्षेपण है, नेक्स्ट लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता या इसी को परिक्षेपण क्षमता भी कहते हैं, परिक्षेपण क्षमता इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। अब वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं। डिस्पर्सिव पावर को आप ऐसे डिफाइन करोगे बच्चों, लाल तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग जो होता है वो येलो कलर होता है। तो लाल तथा बैंगनी या बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग पीले रंग के लिए प्रकाश के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही कहा जाता है परिक्षेपण क्षमता, प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, तो ओमेगा क्या होता है बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए कोणीय परिक्षेपण तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए या सॉरी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए, फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ध्यान से सुनिए, बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही, ये जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। इसको बच्चों हम लोग कई टर्म में लिख सकते हैं, एक ऐसे भी इसका फार्मूला लिखा जा सकता है ओमेगा बराबर थीटा
थीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम अपवर्तनांक के पदों में भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, या थीटा का एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइड बाई डेल्टा वाई। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे डेल्टा आर डेल्टा वी, वैसे अगर डेल्टा वाई लिखेंगे तो डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए। पीले रंग के लिए विचलन कोण, पीले रंग का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे डेल्टा वाई के स्थान पर अगर ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू ए, ए से ए कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाई एन वाई माइनस वन। ये कोणीय परिक्षेपण क्षमता, सॉरी परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला होता है ओमेगा, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। चूंकि ओमेगा दो प्रकाश रंगों के विचलन कोणों का अनुपात है, तो जब कोणों का अनुपात है तो यूनिट हमको मिल ही नहीं सकती, तो ओमेगा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक मात्रकहीन राशि, ये मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये तो बच्चों आज के हम लोग की टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़े डिस्पर्सिव पावर, फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय परिक्षेपण, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब इस टॉपिक पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अच्छे अच्छे, जो बोर्ड एग्जाम में हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमको दिया है किसी पदार्थ के बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 और 1.51 है, यदि प्रिज्म का कोण 5 अंश हो तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। एंगुलर डिस्पर्शन हमसे पूछा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज दिया गया, पहले तो प्रिज्म कोण हमको दिया गया है, ए की वैल्यू 5 अंश है, बैगनी और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दिया गया, बैगनी रंग के अपवर्तनांक को एन वी से दिखाते हैं, लाल रंग के एन आर, लाल रंग के लिए एन आर से, तो एन वी कितना है बैगनी रंग के लिए 1.54, लाल रंग के लिए कितना है 1.51। हमसे पूछ लिया गया कोणीय परिक्षेपण थीटा क्या होगा, जो अभी हमने थीटा का फार्मूला अपवर्तनांक के लिए पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू, तो थीटा बराबर एन वी कितना है 1.54 माइनस एन आर कितना 1.51, और इसमें गुणा करना ए का मान 5 अंश, घटा दोगे तो ये हमको मिल जाएगा 0.03, फिर गुणे 5 अंश, अब 5 का गुणा कर देंगे तो ये हमको मिलेगा थीटा बराबर 0.15 अंश, तो एंगुलर डिस्पर्शन इसका कितना हो गया 0.15 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये लिखा है या कहा गया है प्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 और 1.613 है, प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। देखते हैं पहले तो क्वेश्चन में आप देखो लिखा है बैगनी एवं लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक 1.632 और 1.663 है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बच्चों हमको बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना दिया 1.632, फिर इसके बाद अगर देखें तो लाल रंग का अपवर्तनांक कितना है एन आर बराबर कितना है 1.613, कितना दिया है का प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, ओमेगा हमसे पूछे बच्चों, ये अपवर्तनांक दिया गया मध्यवर्ती रंग पीले रंग का, अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो पीले रंग का अपवर्तनांक, वो मध्यवर्ती रंग है तो मध्यवर्ती मतलब दोनों का मीडियन निकाल लो, तो दोनों का
माध्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.632 प्लस 1.613 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहले ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 325 और 4 फिर और 266 12 11283 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमको मिलेगा कितना, एन वाई बराबर 1.6 फिर 2 फिर 2 फिर 5 इतना मिलेगा। तो ये हमको मिलेगा कितना, 1.6225 इसके इक्वल। तीन अंक तक है तो हम इसको काट करके एक सिग्निफिकेंट फिगर या इसको सार्थक अंक में लिख लेते हैं। इसको काट दोगे तो एक विषम संख्या इधर कुछ नहीं जुड़ेगा, लगभग 1.22 एन वाई लगभग इतना होगा, तो एन वाई हमको मिल गया। अच्छा अब बच्चों एन वाई मिल गया तो हमको बताओ वर्ड विक्षेपण का कोई सूत्र ऐसा जिसमें एन का टर्म आता हो, तो वर्ड विक्षेपण क्षमता का फार्मूला ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाई एन वाई माइनस वन, बस वैल्यू पुट अप कर दो। ओमेगा बराबर एन वी कितना है, 1.632, एन आर कितना है, 1.613 डिवाइड बाई एन वाई कितना है, 1.622 माइनस 1। सरल कर लो, ओमेगा इज इक्वल्स घटा दोगे तो ये आ जाएगा 12 में से 3 गए 9 और 1 फिर 0.00 डिवाइड बाई सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 0.622 ये इससे मर गया। ओमेगा बराबर ये आ गया 19/622 ओमेगा बराबर। बच्चों भाग कर लेंगे तो भाग करने के बाद हमको मिलेगा लगभग 0.03, डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 0.03 ये आएगा लगभग इसके बराबर। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चूंकि टर्म दिया नहीं गया तो ऐसे हमको लगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंगों के लिए प्रकाश के अपवर्तनांक, बैगनी और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक फिर से दिया गया है, एन वाई इतना है, एन वी इतना है, एन आर इतना है। तो एन वी कितना है, 1.632, एन आर कितना है, 1.610। कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, हमसे ओमेगा पूछा है। अभी बच्चों इसके ठीक हम लोग क्वेश्चन इसके पहले वाला एकदम सेम ऐसे सॉल्व किए, तो वीडियो को पास करो और तुरंत लगा करके देखो कितना आता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो जब मैं बताऊंगा तो फिर आप उसको मिला लेना, ठीक है। ट्राई करो। हो गया ठीक है, 1 2 3 4 आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एन वाई, एन वाई क्या होगा, एन वी प्लस एन आर डिवाइड बाई 2, एन वाई इक्वल से एन वी 1.632 प्लस 1.610 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4, 2, 4, 2 and 3 डिवाइड बाई 2, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा तो एन वाई बराबर 1.621 ये हमको मिल जाएगा एन वाई की वैल्यू, ठीक है एन वाई इतना मिल गया।
अब बच्चों कोणीय परिक्षेपण क्षमता का फार्मूला, सॉरी कोणीय नहीं, वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला क्या है, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाई एन वाई माइनस वन। ओमेगा बराबर एन वी कितना है 1.632, माइनस एन आर कितना 1.610, डिवाइड बाई एन वाई कितना है 1.621 माइनस वन। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद घटा लो ओमेगा बराबर, घटा दोगे तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.0 डिवाइड बाय 0.621। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर 22 डिवाइड बाय 621, डिवाइड कर लोगे तो ओमेगा बराबर 0.035, इतना इसका आंसर मिलेगा, ये हो ओमेगा की वैल्यू। क्वेश्चन को ध्यान से मिला लो और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश। अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण, ये दिया गया है 60 अंश। नीले लाल तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण क्रमशः 53 अंश, 51 अंश और 52 अंश है। पहले नीला, फिर लाल, फिर पीला। नीले रंग के लिए, नीला मतलब ये बैंगनी रंग था, सॉरी ये, अब बैंगनी रंग, पीला, बैंगनी, लाल तथा पीले के लिए हमको दिया गया है विचलन कोण कितना कितना है। तो विचलन कोण लिख लेते हैं, बैंगनी रंग के लिए डेल्टा वी, लाल रंग के लिए डेल्टा आर और पीले रंग के लिए डेल्टा वाई। ये तीनों का मान दिया गया, डेल्टा वी कितना है 53 अंश, डेल्टा आर कितना है 51 अंश और डेल्टा वाई कितना है 52 अंश। का दिया गया प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, ओमेगा हमको फाइंड करना है। ओमेगा का ऐसा फार्मूला जिसमें हमको ये रिलेशन मिलता हो डेल्टा वाई मतलब विचलन कोणों के टर्म में। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है, तो आंसर है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई, ठीक है पढ़े। केवल वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ओमेगा बराबर डेल्टा वी कितना है 53, डेल्टा आर कितना है 51, डिवाइड बाय डेल्टा वाई कितना है 52। ओमेगा इज इक्वल्स 2/52। जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये आपको मिलेगा ओमेगा बराबर 0.05 × 10⁻³, मतलब ये लगभग 0.0385 इसके आसपास मिलेगा, 0.08 0385 इतना मिलेगा, ये इसका आंसर है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको सिंपली ओमेगा का ये वाला फार्मूला लगाना है, ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। अब कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो इसको समझने के लिए बच्चों सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई होता है और थीटा का एक फार्मूला होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बस यही वाला फार्मूला यहाँ पे रख दो, ओमेगा बराबर थीटा के स्थान पर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा वाई, बस ये वाला फार्मूला मिल गया आपको और इस फार्मूले को वैल्यू पुटअप कर दिया गया, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज के वीडियो का। एक पतले प्रिज्म के लिए लाल व बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.61 और 1.65 है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.61, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक 1.65। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर 0.08। पीले रंग के लिए विचलन कोण मतलब डेल्टा वाई ये दिया गया है 5 अंश है और हमसे पूछ लिया गया है कि फाइंड प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण कितना होगा। ऐसा फार्मूला लगाओ, ऐसा फार्मूला कि कैसा फार्मूला लगाना है, देखो फार्मूला पहले तो ओमेगा का एक फार्मूला अभी हम लोग देखो यहाँ पे जो फार्मूला लिखे हैं, या एक दूसरा फार्मूला ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई होता है, ओमेगा बराबर थीटा को हम लोग अपवर्तनांक वाले पद में अगर लिखें तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए फार्मूला होता है ये वाला,
डिवाइड बाई डेल्टा वाई, इसको ऐसे रहने दो। हमको बच्चों ए चाहिए तो इसका इधर गुणा करो, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। निकालना इस वाले टर्म का इधर भाग करो, मतलब ये हमको मिलेगा ए बराबर ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई डिवाइड बाय एन वी माइनस एन आर, इतना हो गया। वैल्यू पुट अप कर दो, ए बराबर ओमेगा किसके बराबर है, तो ओमेगा की वैल्यू देखो 0.08 इंटू डेल्टा वाई किसके बराबर है 5 डिग्री, डिवाइड बाय एन वी किसके बराबर है 1.65 माइनस एन आर 1.61। तो ये हो गया ए बराबर 0.08 इंटू 5 डिग्री डिवाइड बाई, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 0.04, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये हो गया 2, 2 5 10, मतलब ये हमको मिल गया ए बराबर 10 डिग्री 10 अंश। इसका प्रिज्म एंगल कितना हुआ 10 अंश। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रिज्म वाले चैप्टर की जितनी भी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट, लगभग बोर्ड के लिए हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद वाला चैप्टर उसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको सवाल देखेंगे, उसको बढ़िया बढ़िया उसकी थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले जो चैप्टर था जो चल रहा था अभी प्रिज्म वाला, उसके सारे सेक्शन हो चुके हैं। तो आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द